रणे ब्रेक्स के बारे में। और जितेंद्र गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि रणे ब्रेक्स में इन्होंने अभी कितना 869 869 के भाव पर इन्होंने थोड़ा खरीद रखा है और ट्रेड किया है, और क्या अभी ये निवेश के लिए सही प्राइस है या थोड़ा वेट करना चाहिए? तो मतलब ये कि अभी और ख़रीदने की शायद सोच रहे हैं, 869 पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा नहीं, ये करंट प्राइस बता रहे हैं, ट्रेड कर रहा है मतलब इन्होंने ट्रेड नहीं किया है बल्कि ये शेयर अभी इस भाव पर चल रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सही भाव है खरीदने का है। तो ये ऑटो एंसिलरी में आपको 2 साल का रनवे अभी मिलेगा, लेकिन यही है कि आपको अच्छे आइडियाज आइडेंटिफाई करके रखने चाहिए और कभी गिरे तब मिलना चाहिए। राणे ब्रेक बहुत नाम देखे या गवर्नेंस देखे इस हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है। राणे ग्रुप की कंपनी में तो मैंने गवर्नेंस इशू नहीं सुना है, इसलिए और चूंकि सेक्टर फेवरेबल है, कंपनी फेवरेबल है, वैल्यूएशन में अराउंड 15% का स्ट्रेच तो मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए खरीदना भी चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या जैसे भी खरीदना चाहते हैं तो 850 होल्ड करें तो ठीक है, क्योंकि उसके नीचे फिर इसका मोमेंटम ब्रेक डाउन है। 850 होल्ड करेगा तो स्लोली मेरा ऐसा अंदाजा है कि ये 4 डिजिट का स्टॉक बन जाना चाहिए, मेरा ऐसा अंदाजा है। टाइम लगेगा लेकिन मेरा अंदाजा इसलिए है कि ऑटो एंड सेक्टर में मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ आने वाले 2 साल तक तो नहीं निकलती रहती है। तो 850 अगर होल्ड करता है तो आप रिस्क ले सकते हैं, मेरा ऐसा अंदाजा है। 4 डिजिट हो जाना चाहिए, लेकिन 850 के नीचे फिर जो मोमेंटम था वो जाएगा, करेक्शन कूल ऑफ शुरू हो जाएगा। जी चलिए, जो पिछला कंसोलिडेशन जोन था उसको ये काफ़ी अच्छे से अच्छी रफ्तार से पार करने की कोशिश कर रहा है, तो उस लिहाज से मतलब जो सुमेश जी बता रहे हैं कि 4 अंकों में अब ये जाने की तैयारी में है, लेकिन 850 बचा रहे तब ये ध्यान रखिए।